सुनो जरा मेज तो साफ कर दो, काफी धूल जमी हुई इस पर। बड़े साहब अभी तो मेज साफ की थी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इधर आओ साफ करो इसे। छोड़े बड़े साहब। देखो कितनी बार समझाया है, जो मैं कहता हूँ वो मान लिया करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा। सब कुछ तो मानती हूँ बड़े साहब, लेकिन लेकिन क्या, मैं तो तुम्हारा ही भला चाहता। ये रख अपनी माँ को बताना, काम है। ये रख लें बड़े साहब, मुझे नहीं चाहिए। रख लो, ये तुम्हारा इनाम है, बस इसके बदले में मेरे कमरे की सफाई अच्छी तरह कर दिया। अम्मा मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी। क्या क्या कह रही है सनाज, काम पे नहीं जाएगी? तो काम कौन करेगा? तुझे पता है ना मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है, और तेरे अब्बा को भी सेठ ने काम से निकाल दिया है। अम्मा मेरी बात को समझने की कोशिश तो किया करो, जमशेद है ना वो ठीक आदमी नहीं है। अरे अपनी जबान बंद कर ले, बकवास बंद कर अपनी। 15 साल हो गए मेरे को उस घर में काम करते हुए। अगर हम जिंदा है ना तो उन्हीं की बदौलत जिंदा है, काम पर नहीं जाऊंगी। लेकिन अम्मा मैं काम पर नहीं जाऊंगी। वालेकुम सलाम। अब तबीयत कैसी तुम्हारी? साहब जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो खैरियत है? आज शहनाज काम पे नहीं है। है 100 बारी मैंने बोला है मेरी तबीयत खराब रहती है, अब मुझसे काम नहीं होता, और तू इसी तरह बहाने बनाकर बैठी रहा कर घर में। अच्छा ये बता कि तेरे अब्बा आए या नहीं? जी आए थे, उन्होंने कहा था देर से आऊंगा। देख देख जिनके बारे में तू ओल फोल बक रही थी ना, उन्हें जब पता चला कि तेरी तबीयत खराब है तो उन्होंने मुझे पैसे दिए कि सेनाज की दवा ले आना जाके। ये देख। ओ, अम्मा तू मेरी बात समझने की कोशिश तो कर, जमशेद साहब की नियत है ना। ओ बकवास बंद कर अपनी, और कल से सीधी तरह काम पे चली जाना। पहुंचोगे? अच्छा ठीक है मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। कैसी तबीयत है तुम्हारी, क्या हुआ था तुम्हें? हाँ बुखार था, अम्मी दवाई ले आई थी। अब तो ठीक हो ना तुम? जी मैं ठीक हूँ,
नाराज क्यों होती है? मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी तबीयत ही पूछ रहा हूँ मैं। आप बस मुझसे दूर रहें। क्यों करेंगे ऐसे? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में खुशहाली है? तुम्हारी अम्मा आराम से घर पे रहे। क्या चाहते हैं आप मुझसे? अरे मैंने क्या चाहा? इजी हो गया, हम खा रिएक्ट करती रहे। दूर रहे आप मुझसे, कहा ना दूर रहे आप मुझसे। ये क्या कर रही हो? दूर रखो इससे, लग जाएगी मुझे। तुम इस वक्त? साहब जी, सनाज बटिया घर नहीं पहुंची। वो सुबह यहाँ के लिए निकली थी, उसके बाद घर नहीं आई। साहब जी, शाम से ढूंढ रही हूँ मैं सनाज को। बेगम साहब ने कहा था कि वो दोपहर को यहाँ से चली गई। तो इतनी परेशान होने की क्या बात है? अपनी किसी सहेली के पास चली गई होगी। तुम घर जाके सो जाओ और हमें भी सोने दो। नहीं साहब जी, सनाज बटिया किसी के घर नहीं जाती। अल्लाह के वास्ते साहब, पुलिस को फोन कर दो। साहब, बेगम साहब, इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। तुम घर जाओ, आराम करो, सुबह तक पता चल जाएगा। नहीं साहब, बेगम साहिबा, कुछ तो करें। जाने कहाँ दफा हो गई है। सनाज तो माँ बाप का खूब नाम रोशन करेगी। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था तेरी बातों को। अभी तेरे बाबा को नहीं पता, अगर इसके अब्बा को पता चला तो ना जाने क्या कर देगा वो। ये अल्लाह खैर कर अब गरीब अब्बा। ये अल्लाह, thank you.
बीबी जी, साहब जी कहाँ है? सनाज अभी तक घर नहीं आई। क्या, वो अभी तक घर नहीं आई? तुमने रिश्तेदारों के यहाँ मालूम किया है? बेगम साहिबा, मेरा एक ही भाई है, 85 बार उससे पूछा है, बस आप मेरे साथ थाने चले बेगम साहब। तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, जमशेद अभी आते ही होंगे, उनके साथ चली जाना। नहीं बेगम साहब नहीं, बहुत देर हो चुकी है, सारी रात ही नाखों में काटी है मैंने, आप मेरे साथ चले बेगम साहब चले। अच्छा तुम रुको, मैं आती हूँ। मेरी बच्ची कभी घर से दूर नहीं रही है, मेरी सनाज कहीं नहीं गई है, आप उसे मुझे मिलवा दे, उसे बुला दे साहब जी, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता। देखिए आप परेशान मत हो, आपकी दरख्वास्त दर्ज कर लिए, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, बस आप अपनी बेटी की एक तस्वीर हमें भेज दीजिए, जिसे ढूंढने में आसानी होगी। साहब जी मैं जरूर दे दूंगी। सर वो 20-22 साल की लड़की की जाड़ी उसे लास्ट मिली है और हमने उसे गरीबी हॉस्पिटल में रखवा दिया। देखिए आप परेशान मत हो सकता है किसी और लड़की की लाश हो, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हॉस्पिटल चलकर एक नजर देख ले। ऐसे करो पानी लेकर आओ। हाँ सलीम, अंदर आ जाओ। लाश का पोस्टमार्टम करवा कर वर्षा के हवाले करने का इंतजाम कर लो। जी जी सर, मैं अभी आया। हाँ तो जमशेद साहब बताइए, शहनाज किस वक्त घर से निकली थी? जी यही कोई 1-1.5 का टाइम। आपकी आखिरी उससे क्या बात हुई थी? मुझसे आखिरी बात कुछ खास नहीं, एक दिन पहले मैंने उसकी तबीयत का पूछा था, उसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। और मोहतरमा आप कहाँ थी? जब मैं शॉपिंग के लिए घर से निकली थी तो उस वक्त वो घर पर ही थी, मैं तकरीबन 1 बजे घर से निकली थी और मैंने जाते हुए उसे हंडिया चढ़ाने के लिए कहा था। जब मैं घर पर वापस आई तो हंडिया जल गई थी और वो घर पर भी मौजूद नहीं थी। हाँ बेटा, तुम उस वक्त कहाँ थे? मैं जी ये कॉलेज में था उस वक्त। जमशेद साहब, बच्चे को जवाब देने देना तो। बच्चा बता, कहाँ थे आप? जी मैं कॉलेज में था। चलें ठीक है जमशेद साहब, आप अपने नंबर्स लिखवा दीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे रابطہ कर लेंगे। Ha 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 ha!
क्या करूं सनाज के अब्बा, हमारी एक ही तो बेटी थी। अरे क्या हुआ उस बच्ची के साथ? हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? या खुदा ये क्या हो गया हमारे साथ? जो होना था वो हो गया। अब रोने धोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगी। हौसला रखो। कैसे करूं सबर, कैसे करूं हौसला? हमारी बेटी थी वो। बेटी तो वो मेरी भी थी। तुम्हें बड़ी परवाह थी उसकी, पता नहीं किस ढीठ मट्टी के बने हो। कुछ दिनों से वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही रहेंगे? सनाज बिटिया, हमारा तो कुछ पता नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हो सकता है जहां तू ब्याह कर जाए वो लोग हमसे बेहतर हो। अम्मा, क्या गरीबों की शादी अमीर घरों में नहीं हो सकती? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि गरीबों के नसीब में सिर्फ गरीब ही लिखे होते हैं। कैसी बातें कर रही है तू? क्या कहना चाहती है? कोई ऐसी बात है तो मुझे बता। कुछ नहीं अम्मा, बस सो जा। में ये मोबाइल का डेटा निकलवा के लाना, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है जमशेद के बेटे मुराद का है और उसकी मूवमेंट रूटीन से जरा हट कर। उसने अपने बयान में क्या कहा था कि उस दिन वो कहाँ था? सर उसने रिपोर्ट में तो ये लिखवाया था कि वो कॉलेज में था, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और वहाँ 4 घंटे रुकने के बाद वो नूरियाबाद तक गया था। तुम ऐसे करो उस लड़के को उठवा लो और एक काम करो कि अस्पताल से उस इंचार्ज को किसी के जरिए बुलवा लो। ठीक है सर। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम बुरी तरह फंस गए हो। तुम्हें पता है कत्ल कितना संजीदा मामला है? लेकिन सर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए अगर तुम कानून की कोई मदद करके रियायत लेना चाहो तो ले सको। मैं समझा नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। हमने शहनाज कत्ल केस में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था, उसने बताया कि शहनाज का कत्ल मुराद ने किया है। आप बताओ मामला क्या है? जब ऑपरेशन वो कर रहा था तो कत्ल मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता, उसने किया था। वो मेरे साथ अस्पताल गई थी, उसके बाद जो किया था डॉक्टर ने किया था। जरा तफसील से तो बताओ वो क्या था, जल्दी बताओ। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जो मुंह में आता है बोल देती हो। मैं ठीक कह रही हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या
तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ये लो, खुद देख लो। समझने की कोशिश करो शहनाज, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा स्टैंड ले सकूँ। तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं मौका देखते ही अम्मी अब्बू से बात करूँगा। ठीक है, लेकिन ये सब जल्दी होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मेरे एग्जाम्स होते ही मैं बात कर लूँगा। देखा तो नहीं? नहीं, शायद तुम्हारे अब्बू ने। क्या, गाड़ी में बैठते हुए? नहीं नहीं, घर से निकलते हुए। ओह थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। दाद? बोलो। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? सब कुछ ठीक होने पर शादी तो कर लोगे ना मुझसे? कितनी बार बोल चुका हूँ कर लूंगा शादी, पहले इस मुसीबत से तो बाहर निकले। देखिए, मैंने आज तक ऐसा काम कभी किया नहीं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर ये काम मैं करवा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी फीस आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। वो तो ठीक है, लेकिन आप नहीं जानते ऐसे काम बहुत रिस्की होते हैं। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन आपके लिए क्या मुश्किल है? ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है। क्या हुआ? इसे ऑक्सीजन की सब जरूरत है और हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। क्या होगा? आप इन्हें कोई अच्छे हॉस्पिटल में फौरी तौर पर ले जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? आप एम्बुलेंस का इंतजाम करें, मैं शिफ्टिंग की तैयारी कर रहा हूँ। चलें ठीक है, मैं करता हूँ। रुके, अब इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अब ये इस दुनिया में नहीं रही। अब क्या होगा? अब क्या होना है, हमें इसे ठिकाने लगाना होगा, वरना पुलिस केस है, पकड़े गए तो फांसी भी हो सकती है। ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ना ही मेरी कोई ऐसी नीयत थी। मैं तो चाहता था कि कुछ वक्त मिल जाए। मुझे क्या पता था कि शहनाज की जान ही चली जाएगी। वाकई इस्लाम ने जिन चीज़ों से मना किया है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिस पर हमें पछताना पड़े और वालदैन को हमारी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।